ए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया रहोगे। तो भाई आज हम लेके आए हैं एक और गाड़ी का वॉक अराउंड आपके लिए, जो है क्रेटा 2024। और हम लोग लेके आए हैं वेरिएंट, ये जो है ये है SX टेक वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं इस गाड़ी का बढ़िया सा वॉक अराउंड और आपको बताते हैं। वीडियो के एंड पे आपको बना रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखना आपको काम आएगा कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और क्यों लेनी चाहिए और कहां से लेनी चाहिए, मैं आपको वो भी हेल्प कर दूंगा। तो बिगर टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना वॉक अराउंड चालू। तो भाई गाड़ी का अपना आगे से जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। भाई जो कलर है वो है अपना रेंजर खाकी। भाई एडवेंचर एडिशन जो हुंडई ने निकाला था, बस वही कलर वापस निकाला इन्होंने, और बढ़िया सा कलर है। आप भी कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसे लग रहा है। तो पहले बात करते हैं अपने डायमेंशन की फ्रंट से। तो फ्रंट का जो विड्थ है वो है 1790 mm। बाकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे भी नीचे दे दूंगा। और अब यहाँ आगे से अगर मैं देखूँ तो गाड़ी का जो फ्रंट लुक्स है वो काफ़ी बोल्ड कर दिया है बिकॉज ऑफ ये सारी क्रीजेस के वजह से आप देखोगे तो। और मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो हमें मिल जाती है ऑलमोस्ट हॉराइजन LED जो थ्रू आउट द है, कनेक्टेड LED है। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाता है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और DRLs। उसके अलावा हम नीचे अगर उतरें तो यहाँ पर मिलता है हमें क्वाड बीम LED हेडलाइट्स, और नीचे एयर वेंट्स दिए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं, और जो ग्रिल दिया गया है, ग्रिल दिया गया है ब्लैक क्रोम में। भाई ब्लैक क्रोम, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, गाड़ी का थोड़ा सा लुक्स और एनहेंस हो जाता है। तो बस कुछ इस तरीके से है फ्रंट प्रोफाइल। और एक चीज़ हमने मिस कर दी बताना आपको, तो भाई आप नीचे देखो क्या है, यहाँ पर है रडार। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर लगा हुआ है कैमरा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैमरा दिख रहा है। तो इस गाड़ी में भाई आ जाता है एडास लेवल 2, और क्या चाहिए भाई, सेफ्टी के सारे तगड़े फीचर्स इस गाड़ी में आ जाते हैं। तो ये कुछ था अपना गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, और अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे और चेकआउट करते हैं क्या डिटेल्स है। तो भाई अब आ गए अपन गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर। भाई गाड़ी देखो साइड प्रोफाइल से पूरी ऐसे दिखती है। सबसे पहला तो आपको ओवरऑल गाड़ी पे ये ब्लैक कलर का स्लाइडिंग मिल जाता है, जो गाड़ी के लुक्स को और इन्हेंस कर देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे भी स्किड प्लेट दी गई है। स्किड प्लेट आपको फ्रंट में और रेयर में भी दी गई है, बेसिकली स्किड प्लेट। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं यहाँ पे, तो गाड़ी का जो डायमेंशंस बेसिकली है, लेंथ है वो है 4330, 30 mm से क्रेटा 2024 का बढ़ गया है लेंथ। तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो गया है, रेयर पैसेंजर्स पे काफ़ी कम्फर्ट आ जाएगा बैठने करने में। बाकी मैं अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस अपने को 190 mm का मिल जाता है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो उतना मोर देन सफिशेंट है, आप एडवेंचर्स वगैरह करने जाते हो तो भाई ये गाड़ी बिंदास लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ट्रैक्शन मोड्स भी आपको मिल जाते हैं। और मैं अगर बात करूँ आपको व्हील बेस की, भाई व्हील बेस इसमें मिल जाता है अपने को 2610 mm का, तो भाई वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसके वजह से भी अपना कम्फर्ट इनहेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी यहाँ पर, तो टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो टायर प्रोफाइल जो हमें यहां पर मिलता है वो है, आप देख सकते हो 215/60 R17। तो भाई 17 इंच का व्हील है और ये डायमंड कट अलॉयज है। भाई डायमंड कट अलॉयज हुंडई के, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कैसे लगा आपका व्हील का डिज़ाइन, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तो कुछ इस तरीके से है टायर का साइज़। और यहाँ पर आप देखोगे फेंडर लाइन पर कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड टॉप वेरिएंट है बेसिकली। अब मैं आगे बढूं तो यहाँ पर आप देखोगे आपको मिल जाता है LED टर्न इंडिकेटर्स, और ORVM जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, एंड भाई ये ऑटो फोल्डेबल भी है। अब इसमें चेक करते हैं और क्या है, 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है, बट भाई यहाँ जो लाइट देख रहे हो यहाँ पर हमें मिल जाता है पडल लैम्प बेसिकली। तो जब भी आप रात को निकलोगे तो ऑटोमेटिकली मिरर ओपन होगा और इसमें लाइट आ जाएगी भाई, तो अपने को टेंशन नहीं है उस टाइम पे। बाकी अगर मैं बात करूं तो आपको ए पिलर जो है वो ब्लैक मिल जाता है, बी पिलर और सी पिलर जो अपना स्टैंडर्ड है क्रेटा का वो सिल्वर लाइनिंग में आ जाता है। और बाकी हम देखें यहाँ पर
तो भाई क्रोम डोर हैंडल्स जो तगड़े लगते हैं, और हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड पर। तो कुछ इस तरीके से है अपना साइड प्रोफाइल। और मैं टॉप की मैं बात करूं तो भाई टॉप पे अपने को रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं भाई, रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से है अपना गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो भाई साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी तगड़ी दिखती है, और कलर तो वैसे भी बढ़िया कलर है। तो अब जाते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं और क्या क्या मिलता है। अब भाई आ जाते हैं अपने रेयर प्रोफाइल पर। भाई गाड़ी का लुक्स पूरा का पूरा चेंज कर दिया है रेयर प्रोफाइल से भी। गाड़ी ओवरऑल सेम है, बट जो चेंजेस किया है वो तगड़ा चेंजेस किया है फ्रंट में, रेयर में। एडास लेवल 2 लेके आ गए, सेफ्टी फीचर्स बढ़ गए, और हुंडई क्लेम करती है कि इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म भी और इम्प्रूव किया है, स्टील क्वालिटी इम्प्रूव की है, जिसके वजह से अपना सेफ्टी भी तगड़ा हो गया इस गाड़ी में। तो पहले बात करते हैं अपन रेयर प्रोफाइल की। भाई रेयर प्रोफाइल में अगर ऊपर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लाइट, LED स्टॉप लाइट मिल जाता है। बाद में हम थोड़ा नीचे उतरें तो हमें मिल जाता है यहाँ पे रेयर वाइपर और डीफॉगर। बाकी नीचे उतरें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अगेन कनेक्टेड LED टेल लाइट्स बॉस, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। भाई इससे तो और भी बढ़िया दिखता है रात को, अभी ही काफ़ी बढ़िया दिख रहा है जो ब्लिंक हो रहा है वो आप देख रहे हो। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको मिल जाता है हुंडई का लोगो, जो बेसिकली ये ग्लास फिनिश में पूरा दिया गया है, और ये सिल्वरिश फिनिश में है। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी कैमरा, रिवर्स कैमरा। इस वाले वेरिएंट में आपको रिवर्स कैमरा मिल जाती है, और ये है अपना SX का बैजिंग। SX टेक है बट टेक नहीं, SS लिखा रहता है, SX लिखा रहता है, और यहाँ पर अपना क्रेटा का बैजिंग। तो कुछ इस तरीके से है बाकी अपने रिफ्लेक्टर्स। और यहाँ आप देखोगे तो रिवर्स लाइट एक ही मिल जाती है, जो पहले के जनरेशन में दोनों साइड पे होती थी। और बाकी ये है अपना ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई ये कुछ चेंजेस थे अपने गाड़ी के क्रेटा 2024 में रेयर प्रोफाइल में। अब मैं बूट ओपन करता हूँ और बूट ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या डिटेल्स है। तो करते हैं रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन बूट। और भाई यहाँ पर देखो बूट स्पेस जो गाड़ी में दिया गया है वो है 433 लीटर्स का बूट स्पेस। भाई इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ एक और आपको दिखाता हूँ, बोस का सिस्टम आता है भाई, 8 स्पीकर्स का बोस सिस्टम आ जाता है। तो साउंड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है भाई। बाकी ये अपना तो है टूल किट, और यहाँ पर एक लैम्प दिया गया है लगेज साइड पर, कोई हुक नहीं है, बट हाँ ये छोटा सा स्पेस है दोनों साइड पे जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। अब मैं अगर रेयर व्हील की बात करूँ तो रेयर व्हील भाई है 205/65 R16 देख सकते हो। तो स्पेयर व्हील जो दिया गया है बेसिकली वो स्टील रिम है और 16 इंच का व्हील है। तो कुछ इस तरीके से है अपना बूट। और यहाँ पर अपने को मिलता है ग्रैब हैंडल बंद करने के लिए, और यहाँ पर आप देखो क्लाइडिंग यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये भी कुछ ओवरऑल 100% क्लाइडिंग हो गया जो लास्ट जनरेशन में नहीं थी। तो भाई ये करते हैं बूट बंद, और ये हो गया अपना रेयर प्रोफाइल गाड़ी का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल टैंक इस गाड़ी का है 50 लीटर, 50 मतलब 55 भी भाई आ जाता है काफ़ी बार। तो भाई अब बात करते हैं अपने सेफ्टी फीचर्स की गाड़ी पे। तो हमने बताया आपको इस गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ जाता है हुंडई की हर गाड़ी में, इवन बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है 6 एयरबैग्स। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, वो तो होना ही चाहिए, एयरबैग्स आज की डेट में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें मिल जाता है ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, आपको ESP मिल जाता है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको मिल जाता है ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, और क्या चाहिए भाई। तो आपको ब्रेकिंग में भी कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो भाई मैं एडास की अगर बात करूँ तो गाड़ी में हमारे पास 19 फीचर्स आ जाते हैं। मैं अगर कुछ फ्यू एग्जांपल्स अगर आपको दूँ, आपको मिल जाता है फॉरवर्ड कोलाइजन, आपको मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट कोलाइजन, आपको मिलता है लेन डिपार्चर, लेन कीप वार्निंग,
आपको मिल जाता है इसमें ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। तो भाई हमने किया अपना एक्सटीरियर का कार का वॉक अराउंड, आपको कैसे लगा गाड़ी बाहर से वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं इंटीरियर का वॉक अराउंड करने, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या है गाड़ी में और क्या नहीं है वो देखते हैं। उसके पहले मैं आपको अगर कीज़ दिखाऊं तो इस गाड़ी की इस तरीके से कुछ कीज़ आ जाती हैं, जिसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड बटन प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, और दूसरा है बूट ओपनर। तो भाई दो फॉब कीज़ अपने को यहाँ पे मिल जाती हैं। और मैं अगर गाड़ी अनलॉक करूँ तो आपने देखा टर्न इंडिकेटर्स जले और ORVM ऑटोमेटिकली खुल गया। भाई ऑटो फोल्डिंग का फीचर दिया गया है और नीचे पडल लैंप दी गई, लाइट देख रहे हो आप यहाँ पे, आपको दिख जाएगी थोड़ी सी लाइट दिखेगी फ्लैश आपको। तो ये कुछ बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बहुत छोटा है बट बहुत यूज़फुल है। तो जाते हैं पहले अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स है। भाई गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ड्यूल टोन में है, ग्रे शेड में है। बेसिकली आप देखोगे डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो ये भी गाड़ी को काफ़ी बढ़िया बना देता है। तो पहले हम बात करते हैं डोर पैड की। तो भाई डोर पैड में आप देखोगे सिल्वर कलर के डोर हैंडल जाते हैं, यहाँ आपके पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, आपको विंडोज़ को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, अपना लॉक अनलॉक ऑप्शन। उसके अलावा ये जो है ORVM के कंट्रोल्स हैं, और आप यहाँ से ओपन और क्लोज भी कर सकते हो। फिर हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीमियम बोस के सराउंड साउंड सिस्टम है इस गाड़ी में, जो बहुत ही बढ़िया आउटपुट देता है। आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे कुछ पेपर्स रखने की जगह। बाकी ये चीज़ मुझे क्रेटा की बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे आप इजीली अच्छे से अपनी कीज़ रख लो और अपनी मोबाइल या वॉलेट रख लो, भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अगर आपको यहाँ से बताऊँ तो अपने को सीट्स जो मिलती हैं वो 8-way एडजस्टेबल मैनुअल है। भाई इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, भले ही मैनुअल हो बट है हमारे पास। तो अब हम बैठ चुके गाड़ी के अंदर, और कुछ इस तरीके से बढ़िया सा गाड़ी का इंटीरियर है भाई ड्यूल टोन में। मैं अगर प्लास्टिक क्वालिटी बात करूँ तो हार्ड प्लास्टिक ही है, बट हुंडई का जो इंटीरियर है, कोई भी गाड़ी ले लो हुंडई की, वो प्रीमियमनेस जो है ना वो आपको डेफिनेटली फील होएगी। जैसे आप स्टेयरिंग टच कर रहे हो, लेदर रैप स्टेयरिंग है भाई। और ये जो नया डिज़ाइन उन्होंने इस गाड़ी में निकाला है क्रेटा 2024 में, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है, लुक्स काफ़ी सही कर देता है। तो हम चालू करते हैं पहले इस साइड से कि क्या क्या और अपने को फीचर्स इंटीरियर में मिलते हैं, और बाद में आते हैं हम अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीडोमीटर्स पे। तो भाई सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, आपको ये एडजस्टेबल मिल जाता है जो सीट बेल्ट का है, तो ये भी सही ऑप्शन है। उसके अलावा अपने को यहाँ पे मिल जाता है डोर ग्रैब हैंडल्स, और सन वाइज़र में देखो अगर पैसेंजर साइड पे लाइट नहीं है बट भाई मिरर तो डेफिनेटली आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर भाई अपने को मिलता है IRVM जो मैनुअल है, ऑटो नहीं है इस वेरियंट में। सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको बढ़िया सा, आपको LED लाइट्स और वो भी वाइट LED लाइट्स, तो वो मुझे बहुत सही लगता है। अब ये है अपने सनरूफ के कंट्रोल्स, और ये खुला अपना सनरूफ, भाई पैनारोमिक सनरूफ है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है भाई। इसमें से तो आप सीधा बाहर निकल सकते हो, बट आपको निकलना नहीं है बॉस, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान रखना है, बच्चों को बाहर सनरूफ से नहीं निकालना है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे, भाई ये अपना AC वेंट्स है, अपने गाड़ी में 6 एयरबैग्स तो आते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ रबर का फिनिश दिया हुआ है, ताकि आप अगर अपनी यहाँ पे मोबाइल रखें तो स्लिप ना हो। और ग्लोव बॉक्स का साइज़ बहुत ही बढ़िया है, डिसेंट इनफ है। उसमें मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कूल ग्लोव बॉक्स भी है, भाई वो भी सही है। ये सारा जो लाइनिंग है ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है गाड़ी को सारा, तो आप भी मुझे बताना आपको कैसे लग रहा है। तो ये है अपने AC वेंट्स, यहाँ पर हमें मिल जाता है अपना ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC भाई, तो कुछ इस तरीके से आया हुंडई का ये चालू हुआ। अब मैं यहाँ नीचे बढ़ूँ तो अपने को सी पॉइंट चार्जिंग मिलता है, अपने को 12 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है, और अपने पास USB भी है। उसके अलावा भाई यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग। और ये जो पैनल आप सारा देख रहे हो ये सारा ग्लॉसी फिनिश में है, तो ग्लॉसी फिनिश में बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, एकदम सुपर लग रहा है। लास्ट में अगर मैं आपको बोलूँ इस पैनल पर, तो आप ये देख रहे हो बटन
तो इससे क्या होगा, आप पीछे कोई भी गाड़ी खड़ी रहेगी तो आप इजीली रिवर्स कैमरा के थ्रू स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे अपने इस तरफ, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो डिसेंट इनफ साइज़ के हैं, अपना ब्रेक हैंड ब्रेक का है लीवर, और ये ब्लैक कलर में आता है जो कॉम्प्लीमेंट कर ही लेता है यहाँ पे धीरे से। और भाई यहाँ पर अपना आ गया अपना आर्मरेस्ट, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट, इसमें कोई भी एयर प्यूरीफायर नहीं दिया गया है, बट अगर आप देखोगे तो इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है भाई, इसमें आप इजीली अपना एक मोबाइल और वॉलेट रख सकते हो। तो मैं अगर आपको मोबाइल रख के दिखाऊं तो मेरी एक मोबाइल आ गई, दूसरी भी आ जाएगी और वॉलेट भी आ जाएगी भाई, ये देखो वॉलेट भी इजीली आ गई। तो ये कुछ था तामझाम यहाँ का कंसोल का, सेंट्रल कंसोल का। अब मैं बढ़ता हूँ अपने इस साइड पर, ड्राइवर साइड पर भाई। तो ड्राइवर साइड पर बढ़िया सा लेदर फिनिश में आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग जो है डी कट, और पुरानी जनरेशन से जो कंटिन्यू किया है वो उन्होंने सिल्वर फिनिश यहाँ ज़रूर रखी है भाई। यहाँ पे मिल जाएगा आपको हुंडई का लोगो जो अब आ गया है सिल्वर फिनिश में। और इस साइड पे अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो हमें मिलता है यहाँ पे सारे ऑडियो कंट्रोल्स और ब्लूटूथ कंट्रोल्स। बाद में मैं यहाँ अगर बढ़ूँ तो यहाँ पर हमें मिल जाता है क्रूज कंट्रोल्स और अपने एडास के फीचर्स। भाई ये देख रहे हो तो इसमें, इस गाड़ी में है एडास, तो ये सारे फीचर्स अपने को स्टेयरिंग पे मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे वाइपर कंट्रोल्स और यहाँ पर है मेरे लाइट्स के कंट्रोल्स। तो भाई ये कुछ एकदम तामझाम है अंदर, और ये छोटा सा फीचर हुंडई ने दिया है इस गाड़ी में। यहाँ पर है मैग्नेट, आप छोटा सा कुछ कॉइन वगैरह अगर लगाते हो तो वो यहाँ चिपक जाएगा। फिर बढ़ते एसी वेंट, और एसी वेंट के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो अपना पुश स्टार्ट बटन मिल गया। यहाँ पर जो हमें मिला है वो है अपना आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, और ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट। तो भाई कुछ इस तरीके से है यहाँ के सारे, स्टेयरिंग जो है बेसिकली इस साइड पे है, मैं देखता हूँ, ये है अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों दिया गया है। तो भाई ये भी एकदम अच्छा ऑप्शन है, दोनों मिल जाता है। बढ़ते हैं अपने इस साइड के सनवाइज़र पर, तो यहाँ पर खाली नॉर्मल टिकट होल्डर ही दिया गया है, यहाँ पर कोई मिरर वगैरह नहीं है। भाई यहाँ पे मिरर की क्या ज़रूरत है, ड्राइवर थोड़ी ना मिरर लेके मेकअप करने वाला है। तो अब हम चालू करते हैं अपना ये साइड का जो पैनल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीडोमीटर। भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलता है 10.2 इंचेस का, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है बट वो वायर्ड है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है नॉर्मल कलर्ड TFT MID मिल जाता है, जिसमें सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं हमें। तो वो ज़रा गाड़ी चालू करते हैं उसके बाद ही चेक करते हैं। तो भाई अपने को यहाँ पे मिल जाता है 10.2 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है बट वो वायर्ड है। बाद में अगर मैं आपको बात करूँ इसके टच की एंड फील की, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्मूथ है। इसमें अपने को आ जाता है वैले मोड, नेविगेशन भी इसमें आ जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये आ गया अपना नेविगेशन का सेटिंग्स। और अगर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस गाड़ी में हमें मिल जाता है जियो सावन, तो इसका भी एप्लीकेशन यहाँ पर इस सिस्टम में दिया गया है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई ब्लू लिंक भी है, कनेक्टेड कार फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं साथ में आपको, वो बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है। आप कमांड दोगे सनरूफ ओपन हो जाएगा, आप किसी को कॉल करना वो बोलोगे तो कॉल हो जाती है कनेक्ट। तो भाई ये सारे फीचर्स भले छोटे छोटे बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने MID की तरफ, तो यहाँ पर जो है ये पूरा डिजिटल कंसोल दिया गया है और ब्लू कलर में है। मैं यहाँ देख रहा हूँ तो फ्यूल गेज है, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का बता रहा है आप देखोगे तो, और मैं अगर यहाँ देखूँ तो करंट ट्रिप का जो माइलेज है, कितने किलोमीटर चले हो वो सारा दिखा रहा है आपको, सिंस रिफ्यूलिंग आपने कितना किया वो दिखा रहा है। उसके अलावा आप देखोगे लास्ट रीसेट पे आपने कितने माइलेज दी गाड़ी ने, आपको वो भी यहाँ दिखा रहा है। फिर ऑटो स्टॉप और ऑटो स्टार्ट भी आपको दिया गया, ऑटो स्टॉप दिया गया है। मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो 26 डिग्री का टेम्परेचर आप देख रहे हो, और 14 किलोमीटर्स का जो रेंज चल रहा है, किलोमीटर्स गाड़ी चली है वो दिखा रहा है भाई। बाकी तो गाड़ी बढ़िया है, डिजिटल है पूरा, सही लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से है अपना अंदर का सिस्टम।
और रेंज वगैरह भी इसमें ही आ जाता है। अब इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो दिखाएगा बाकी के क्या क्या फीचर्स है। भाई यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देता है, आप कौन से लोकेशंस पे जा रहे हो, बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। TPMS भी आ जाता है एज अ सेफ्टी फीचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, जब आप लॉन्ग हाईवेज पे ट्रिप करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है अपना ये एडास के फीचर्स, जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब मैं बैठ चुका हूँ पीछे गाड़ी में, अब पीछे क्या क्या फीचर्स है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। यहाँ पर हमें लाइट मिल जाती है LED वाइट कलर की, जो सही लगती है। डोर ग्रैब हैंडल्स हैं और कोट हुक तो नहीं है, बट हाँ आपको ये मिल जाता है प्राइवेसी के लिए, जो सनशेड है बेसिकली बैक डोर पे, ये मस्त फीचर है बॉस। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 60-40 सीट स्प्लिट का, तो वो भी बहुत ही सही है फीचर्स है। उसके अलावा आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है दो पैसेंजर्स के लिए, एंड ये अगर कुशन देखोगे जिसका क्रेटा का बैजिंग भी यहाँ दिया गया है, भाई ये कुशन तो एकदम ऐसे रिक्लाइन करके जब आप बैठोगे ना तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा बॉस, एकदम कंफर्टेबल फील होता है। तो ये कुछ फीचर्स है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोफिक्स सीट्स भी आ जाती है, जो अगेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। अब 3-point सीट बेल्ट भी आ गया, तो ये भी आपकी सेफ्टी बढ़ा देता है। अब मैं चेक करता हूँ आर्मरेस्ट है कि नहीं है भाई गाड़ी में, तो गाड़ी में आर्मरेस्ट भी है विथ 2 कप होल्डर्स, भाई ये भी सही फीचर आ गया। और हेडरूम तो बहुत ही बढ़िया है, तो आराम से आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। अब यहाँ देखोगे आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, तो रेयर एसी वेंट भी बहुत सही फीचर्स है। यहाँ पर आपको मोबाइल रखने की जगह दी गई है, आप इजीली अपनी मोबाइल और वॉलेट रख सकते हो। चार्जिंग करते करते आपको 2 सी पिन मिल जाते हैं, भाई आजकल तो सब सी पिन ही आता है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो सीट्स है वो सेमी लेदराइट है, बेसिकली आप देखोगे आपको यहाँ पर लेदर दिया है और दिस साइड पे फैब्रिक दिया गया है, बट इसमें जो टच देखोगे आप, ये कलर जो दिया है कॉपर का, ये काफ़ी सही लगता है, जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी ऐसे ही कॉपर कलर आ जाता है। उसके अलावा मैं अगर यहाँ देखूँ आपको कुछ मैगजीन होल्डर दोनों सीट्स पे आपको मिल जाता है, तो इससे भी काफ़ी यूजफुल फीचर्स है। तो भाई कुछ इस तरीके से था अपना गाड़ी का रेयर कंफर्ट, आपको दिखा दिया सारा। अब मैं बैठा हूँ इस साइड पर और मैंने जो आगे की सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट है 5'10". अब मैं आपको स्पेस दिखाऊं, भाई थाई सपोर्ट तो बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, लेग रूम भी काफ़ी है, और अगर आप सीट रिक्लाइन करके ये कुशन का मज़ा अगर लेते हो तो मज़ा आ जाएगा, जलसा हो जाएगा। नी रूम काफ़ी है, तो भाई कंफर्ट के मामले में क्रेटा सबसे ज़बरदस्त है। इसमें 3 लोग इस गाड़ी में बढ़िया तरीके से बैठ सकते हैं बॉस, आराम से। तो मैं अगर बोलूँ 3 तो बड़े बैठ सकते हैं, बट एक बच्चा भी बैठ सकता है इजीली क्रेटा में। तो क्रेटा की खासियत ही यही है भाई, क्योंकि मैं खुद चला चुका हूँ ये गाड़ी 32,000-33,000 किलोमीटर, तो मुझे सही तरीके से पता है। मैं आप खाली आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और स्पीडोमीटर है वो कैसे चालू होता है और किस तरीके से आपको डिस्प्ले रहता है इसका। तो मैं खाली इग्निशन ऑन करूँगा और ये आप देखो एकदम बढ़िया तरीके से चालू हो गया भाई। एक और बार चालू करते हैं और ये आप देख रहे हो ब्लू कलर में और हुंडई का आ गया सारा। लो फ्यूल वार्निंग है भाई, लो फ्यूल वार्निंग है। अब एक बार मैं आपको रिवर्स कैमरा भी चेक करके बताता हूँ, तो ये मैंने लगाई रिवर्स कैमरा। भाई कैमरा क्वालिटी तो है ना हुंडई की एकदम बढ़िया है बॉस, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और मैं आपको ये फीचर जो बता रहा था, अभी अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो भाई आपको वापस पीछे की कैमरा यूज़ हो जाएगी और दिख जाएगा। तो अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो और आपने अगर ये बटन प्रेस किया तो भाई आपको पीछे देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसको करते हैं बंद और मैं अभी इंजन भी बंद कर देता हूँ और देखते किस तरीके से जाता है। अब हो गई गाड़ी बंद और ये देखना विजुअल कैसे आता है भाई, एकदम बढ़िया सा विजुअल आता है हुंडई का। एच यहाँ पे आ गया और मेन इंफोटेनमेंट और ये हो गया, डोर यहाँ पे खुला है इसके लिए, ये ऐसे दिखा रहा है। चलो भाई अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। एक चीज़ आपसे लास्ट में बात कर रही थी, अपनी जो इंजन है ये है इंजन 1.5 लीटर की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। भाई आपको इंजन भी दिखा देते हैं, इंजन कैसे है यहाँ पर, और आपको बोनट भी दिखा देते हुड। भाई ये काफ़ी भारी लग रहा है और यहाँ पर इंसुलेशन भी दी गई है और कुछ इस तरीके से है अपना इंजन।
ये जो पावर निकालती है भाई, ये पावर निकालती है 115 bhp और 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मुझे कभी भी इस गाड़ी में कमी नहीं लगी या अंडर पावर नहीं लगी, तो काफ़ी सही है ये, काफ़ी मुझे हैवी लग रहा है। तो इसको करते हैं बंद और वीडियो का ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो भाई अब आ गया टाइम वीडियो ख़त्म करने का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। उसके पहले आपको जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में एक मुद्दे की बात, तो उस मुद्दे की बात पे आते हैं। हम आए हैं इंडेक्स हुंडई मीरा रोड मुंबई में, जिन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दी कार। और आपके काम की या पते की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इंडेक्स हुंडई का सेल्स मैनेजर हूँ। ओके, आपको ये बताना चाहता हूँ, इंडेक्स हुंडई जो एक डीलरशिप है हुंडई का, वो रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर गिविंग द फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ क्रेटा कार, ओके, इन ऑल ओवर बॉम्बे, ऑल ओवर दिस साइड। ओके, सेकेंडली आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल डीलरशिप में जाते हो, अगर आप ये गाड़ी के लिए क्रेटा के लिए आप अगर नॉर्मल डीलरशिप में जाओगे, तो आपको गाड़ी के लिए बहुत वेटिंग करना पड़ेगा। आप कितने टाइम में दोगे? आपको ये गाड़ी में दे दूंगा, अगर आपने फुल पेमेंट कराए तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी विद इन 5 वर्किंग डेज। ओके, और अगर आप नॉर्मली गाड़ी अगर आपके हिसाब से ऑर्डर करते हो, जो आपका प्रेफरेंस है, तो आपको ये गाड़ी 20 to 25 डेज के अंदर मिल जाएगी। बाकी डीलर्स बोलते हैं 2 से 3 महीना, आप 15 दिन में गाड़ी दे दोगे, बिल्कुल अवेलेबल करवा दोगे, बिल्कुल। तो भाई व्यूअर्स लोग, मजा आया कि नहीं आया? तो यही चीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि वीडियो के एंड तक बने रहना। फरहान भाई, अपने क्रेटा चाहिए, 15 दिन में आपको गाड़ी अवेलेबल करवा देंगे और बढ़िया सी डील भी देंगे। भाई हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डील दोगे? आपको एक और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी चल रहा है हमारे पास क्रेटा का सबसे बड़ा ऑफर जो है एक्सचेंज ऑफर। पुरानी गाड़ी लेके आइए, उसे वैल्यूएशन मिलेगा और आपको मिलेगा क्रेटा पे एक बढ़िया डिस्काउंट, साथ में बहुत सारे गुडीज और बहुत सारे ऑफर्स। सो जल्दी से जल्दी विजिट करिए इंडेक्स हुंडई, ऑफर ज़्यादा देर तक नहीं है। मैं आपको मोटो स्पीड इंडिया, मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी और इंडेक्स हुंडई का इंस्टा आईडी भी नीचे दे दूंगा, और फरहान भाई का नंबर डिटेल्स नीचे दे दूंगा स्क्रीन पे, आप उनको कांटेक्ट करिए, मेरा नाम लीजिए, आपको फरहान भाई की शक्ल दिखा दी है, तो बढ़िया सा डील भी मिल जाएगा आपको। अगर आप मुंबई, नवी मुंबई से कहाँ से भी हो, आप नासिक पुणे से भी हो ना, तो भी आप आ जाना यहाँ पे, आपको गाड़ी रेडी करवा के दे देंगे फरहान भाई, बिल्कुल, और तगड़ी डील भी करवा के दे देंगे, बिल्कुल। तो भाई हमारे व्यूअर्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर लो सबके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। इंटिल देन बाय।